दोस्तों, एलएनटी की तरफ से बहुत ही बड़ा सुनहरा मौका आप लोगों के लिए आया हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं एलएनटी में आई हुई वैकेंसी के बारे में, जहां पे दोस्तों फाइनल ईयर के कैंडिडेट जो है फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। यहां पे जो वैकेंसी होगी दोस्तों, ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इसके रिगार्डिंग हम डिटेल इन्फॉर्मेशन बताएंगे, जैसे कि कौन कौन से कैंडिडेट जो है एलिजिबल है, देन दोस्तों यहाँ पर कितनी सैलरी रहेगी, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको हमारा ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद या फिर हेल्पफुल आए दोस्तों, जरूर एक प्यारा सा लाइक दीजिएगा। इसके साथ साथ दोस्तों चैनल में और भी बहुत सारी ढेर सारी वैकेंसीज अपलोड हैं, तो आप उन वैकेंसीज़ को भी देख सकते हैं जिनकी लास्ट डेट जो है ख़त्म होने वाली है। तो सारा वैकेंसीज देखने के लिए आप जो हमारे चैनल के सेक्शन में जा सकते हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं एलएनटी में आई हुई वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे जो एलएनटी वैकेंसी आई हुई है, बेसिकली एलएनटी बिल्ड इंडियन स्कॉलरशिप के तहत आई हुई है, जहाँ पे फाइनल ईयर के कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है, और यहाँ पे पहले तो इस बात के बारे में बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो ये प्रोग्राम है दोस्तों, एलएनटी बिल्ड इंडिया स्कॉलरशिप प्रोग्राम, इसमें क्या करवाया जाएगा। तो दोस्तों इसमें आपको जो है, पहली बात तो यहाँ पे आपको एमटेक करवाया जाएगा एलएनटी में। तो एलएनटी जो है आपको एमटेक करवाएगी दोस्तों इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में। और ये दोस्तों जो एलएनटी का ये प्रोग्राम है, ये आपका एमटेक जो है आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, एनआईटी त्रिची, ये तीन चार कॉलेज में जो है आपको यहाँ पर एमटेक करवाएगी 2 साल के लिए। एमटेक के दौरान दोस्तों आपको यहाँ पे स्टाइपेंड भी दिया जाएगा, जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ पहले यहाँ पे स्टाइपेंड जो है आपको कितना दिया जाएगा, ये देख लेते हैं। यहाँ पे जो स्टाइपेंड आपको मिलेगा दोस्तों, 13,400 पर मंथ जो है आपको स्टाइपेंड मिलेगा 24 मंथ कोर्स के लिए। और दोस्तों ये जो कोर्स डायरेक्टली पेड होंगे आईआईटी एनआईटी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आईआईटी एनआईटी में जो है आपका यहाँ पे एमटेक कंप्लीट करवाएगा एलएनटी कंपनी। देन दोस्तों जैसे आपका सक्सेसफुल कंप्लीशन होता है ये एमटेक का, तो आपको जो है कंपनी एब्जॉर्ब कर लेगी एज ए कंपनी रोल। तो दोस्तों यहाँ पे इनिशियली जो आपकी कंपनी रोल एज ए सैलरी रहेगी एज ए इंजीनियर, यहाँ पे 50,000 प्लस जो है सैलरी रहती है। तो काफ़ी सुनहरा अच्छा मौका यहाँ पे आया हुआ है। कैसे अप्लाई करना है, क्या एज लिमिट है, बात करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों अप्लाई करने के लिए लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर दोस्तों आप जो है www.lntecc.com पे जाके फॉर्म को करियर पेज पे जाके फिलअप कर सकते हैं। तो आप देखते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी और क्या क्राइटेरिया रखी गई है। और यहाँ पे दोस्तों जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या फिर क्वालिफिकेशन रखा गया है, यहाँ पे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट यानी कि डिग्री वाले कैंडिडेट जो हैं सिविल और इलेक्ट्रिकल के, यहाँ पर ध्यान रखिएगा दोस्तों कोर इलेक्ट्रिकल लिखा हुआ है, तो यहाँ पर सिर्फ EE वाले ब्रांच के ही कैंडिडेट जो हैं फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। Who are expected to pass out in 2021, यानी कि फाइनल ईयर के कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। देन दोस्तों इनका जो एकेडमिक एग्रीगेट मिनिमम मार्क्स होगा दोस्तों 70% रखा गया है। अगर CGPA है तो दोस्तों यहाँ पे 7 रखा गया है आउट ऑफ 10। तो यहाँ पे देख सकते हैं BBTech आर एलिजिबल, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है। देन दोस्तों यहाँ पे जो सिलेक्शन होगा, अगर मैं उसकी बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हो इसका जो सिलेक्शन है उसमें जो है रिटर्न टेस्ट होगा। जी हाँ, रिटर्न टेस्ट होगा, जिसमें दोस्तों आपके सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट के जैसे सिविल और इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और एप्टीट्यूड पूछ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद दोस्तों आपका इंटरव्यू होगा, जो इंटरव्यू होगा दोस्तों आपका कंडक्ट करवाया जाएगा IIT मद्रास दिल्ली, देन दोस्तों NIT त्रिची और सूरा थकल में जो है यहाँ पे आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। इनके कोऑर्डिनेशन जो है दोस्तों आपका जो है यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन होगा। देन दोस्तों रिटर्न टेस्ट होने के बाद जो है आपका यहाँ पे इंटरव्यू कराया जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका फाइनल मेडिकल टेस्ट होगा। तो ये जो है दोस्तों यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया, कैसे अप्लाई करना है दोस्तों सारी चीज़ें मैंने बता दी। तो बहुत ही सुनहरा मौका दोस्तों आप लोगों के लिए आया हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे एलिजिबल हो तो ज़रूर फॉर्म को फिलअप कीजिए। देन दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो फॉर्म है आपका लास्ट डेट जो रखा गया है 15 मार्च 2021 रखा गया है। यहाँ पे जो ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट होगा वो आपका अप्रैल 2021 से लेकर जून 2021 के बीच में होगा। तो इसके बीच में अगर आपका फॉर्म जो है मतलब एग्ज़ाम दे सकते हो तो बहुत सुनहरा मौका है यहाँ पे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे इंटरव्यू का डेट अगर आप देखोगे तो जून एंड जुलाई के बीच में जो है इंटरव्यू भी बात किया जा रहा है। देन दोस्तों यहाँ पे इंश्योरेंस फॉर द स्पॉन्सरशिप लेटर जो है आपका 1st week of August 2021 जो यहाँ पे दिया जाएगा। तो काफ़ी अच्छा सुनहरा दोस्तों यहाँ पे मौका आया हुआ है, आप इस मौके को जो है चूके नहीं, इसको ज्वाइन कर लीजिए। और काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पे क्वेश्चंस रहेंगे, IIT गेट के लेवल का जो है यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो आप जो है यहाँ पे इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आप जो हमारी वेबसाइट quicktech.com पे भी जा सकते हैं, या फिर जो मैंने आपको बताया वहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।